हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योरी पे काम करेंगे। हमारी क्योरी ये है कि हम अपनी सीट में जहां पर भी क्लिक करें वहां तक जो रो है और कॉलम है वो किसी कलर से हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो चलिए Alt+F11 की प्रेस करके वीबी एडिटर में आ जाते हैं और आज की कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें जो हमारा कोड रन हो रहा है वो बटन के क्लिक पर हो रहा है। जैसे ही हम कोई सिलेक्शन चेंज करते हैं वैसे ही हमारा एक वीबी कोड पीछे रन होने लगता है। अगर ऐसा कुछ करना होता है तो हम फिर इवेंट्स का सहारा लेते हैं और यहाँ पर हम सीट में कुछ रोज और कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम जिस सीट पर भी करना चाहते हैं उस पर करेंगे डबल क्लिक, उस पर जाएंगे और फिर यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन लिस्ट है। पहले में से हम वर्क सीट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये वर्क सीट सेलेक्ट किया यहाँ पर देखिए आप सिलेक्शन चेंज का एक इवेंट हमारा आ गया। इसी इवेंट की मदद से हम अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। हमें करना क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। Alt+F11 करके एक्सेल की सीट में आ जाते हैं तो जो भी एक्टिव सेल हमारा होने वाला है वहां तक की रो और कॉलम को हमें कलर से हाईलाइट करना है। वो हम कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई हार्ड कोडेड रेंज हाईलाइट करानी है, सबसे पहले वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रेंज, उसके बाद स्टार्टिंग रेंज दे देंगे। स्टार्टिंग रेंज मान लीजिए A1 से और इसके बाद कोमा लगा के एंडिंग रेंज हम दे देंगे B5 तक की रेंज हमें हाईलाइट करानी है। उसके लिए हम इंटीरियर डॉट कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हाईलाइट करानी है हमें किस कलर से वो दे देंगे, हम येलो से कराना चाहते हैं। अब सेव करें और एक्सेल की सीट में जाकर कहीं भी आप क्लिक करें तो देखिए हमारी A1 से D5 तक की रेंज एक्टिवेट हो गई है। पर अब हम कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं तो पहला वाला जो सिलेक्शन है, जो पहला वाली जो हाईलाइट रेंज है उसका तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए था ना, व्हाइट हो जाना चाहिए था, तो वो भी हम कर लेते हैं। उसके लिए हम इस लाइन से ऊपर लिखेंगे सेल्स। सेल्स का मतलब होता है एक्सेल की सीट में जितने भी सेल्स है उसका क्या करना है, हमें इंटीरियर कलर व्हाइट करा देना है। ठीक है, तो अब एक्सेल की सीट पे जाके कहीं पर भी मैं क्लिक करूं तब हमारी पुरानी जो हाईलाइटेड रेंज थी उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया, यही हमें कराना था। अब हमें जो ये हाईलाइट करानी है रेंज, ये हार्ड कोडेड नहीं देनी है, जहां पर भी हमारा एक्टिव सेल हो वहां तक का कॉलम हमें हाईलाइट कराना हो तो उसके लिए हमें दो रेंज चाहिए होगी, ये वाली और यहां तक की। तो पहले ये वाला सेल हम निकालते हैं। उसके लिए हमारी यहाँ पे रो कौन सी है, पहली रो है, पहली रो का जो भी एक्टिव कॉलम हो वो हम दे दें और उसके बाद जो भी हमारी एक्टिव रो है उसका एक्टिव कॉलम हमें देना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर A1 की जगह यहाँ पर लगाएंगे सेल्स और सेल्स में हम सेल्स देंगे कि पहली रो का कौन सा कॉलम है, जो हमारा एक्टिव सेल है उसका जो भी कॉलम है। ठीक है, और कहां तक हमें कराना है, ये हमें कराना है हमारा जो भी एक्टिव सेल हो उसकी रो और एक्टिव सेल का कॉलम हो उस सेल तक। ठीक है, तो अब अगर मैं जाऊं एक्सेल में, ठीक है, और देखो कहीं भी क्लिक कर रहा हूं तो हमारा कॉलम वहां तक हाईलाइट हो जा रहा है। एक काम और हम यहां कर सकते हैं, इस कोड को थोड़ा और सिंपल बना सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाला सेल और एंडिंग वाला सेल यहां पर निकाल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग सेल तो हमने निकाल लिया कि पहली रो का जो भी एक्टिव कॉलम है वो हमारी स्टार्टिंग सेल है और एंडिंग सेल में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक्टिव सेल को निकालने के लिए एक्टिव सेल की रो और कॉलम दे रहे हैं।
तो उसकी जगह अगर हम एक्टिव सेल दे दें तो एक्टिव सेल में भी तो जो सेल एक्टिव है उसका इंस्टांस होगा ना, मतलब कि इस वाले सेल का इंस्टांस ही तो है ना एक्टिव सेल में, तो उसको ही पास कर सकते हैं। और हमने पास किया तो देखो अभी भी हमारा कोड सेम ही काम कर रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हमें रो को भी हाईलाइट कराना है, वो भी देख लेते हैं रो को कैसे हाईलाइट कराएंगे। तो रो हमें कैसे निकालनी है कि पहले कॉलम की जो एक्टिव हमारा सेल है उसकी रो से एक्टिव सेल तक हम दे सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग रेंज हमें निकालनी है, एंडिंग रेंज तो हम एक्टिव सेल दे देंगे, तो उसको भी निकाल लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं रेंज, ठीक है। अब रेंज में सेल्स लिखते हैं हम, यहाँ पर जो हमारी रो होगी वो होगी एक्टिव सेल डॉट रो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्टिव सेल डॉट रो, और कॉलम तो हमारा फर्स्ट रहेगा क्योंकि हमें ये वाला स्टार्टिंग रेंज चाहिए, तो फर्स्ट ही कॉलम होगा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट दे देंगे। और कहाँ तक की हमें रेंज देनी है, एक्टिव सेल तक की। इसका इंटीरियर इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर कलर मतलब कि बैकग्राउंड कलर हमें क्या कर देना है, वीपी येलो, ठीक है। और देखिए जहां पर भी हम क्लिक करेंगे जो भी सेल एक्टिव होगा वहां तक का कॉलम और रो हमारा येलो कलर से हाईलाइट हो जा रहा है। सो यही हमें करना था, ये क्वेरी थी जो कि हमसे पूछी गई थी, हमको काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।